गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर हम जो है कंटिन्यू चैप्टर करते हैं टॉपिक मैट्रिक्स। इसमें सबसे शुरू में करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसमें? इफ वी हैव, इफ फर्स्ट है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर फर्स्ट है कम्यूटेटिव। क्या है? कॉम्यूटेटिव। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव क्या होता है? इफ वी हैव ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, इफ वी हैव ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इफ सच दैट ए बी इफ एग्जिस्ट देन देयर नॉट नीड नेसेसरी बी विल बी एग्जिस्ट। B will be if A B exists, then not necessary B A will be exist. That is called the commutative property. In the product of the two matrices, that not necessary that the B A will be exist if A B is exist. Some of more times B A not exist. फिर है थर्ड है सेकंड है एसोसिएशन मल्टीप्ली ऑफ एसोसिएटिव। एसओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट ए बी सी एंड बी आर मैट्रिक्स। ये अगर तीन मैट्रिक्स है, कितनी मैट्रिक्स है ये? तीन मैट्रिक्स है। कौन कौन सी मैट्रिक्स है ये? ए B एंड C, कितनी मैट्रिक्स हैं? तीन मैट्रिक्स हैं। अब तीनों मैट्रिक्स के ये जिस तरह तीन उंगलियां हैं, तीन उंगलियां पहले ही दो पास की ज्वाइन कर लो, फिर दो पास की। दैट इज कॉल्ड टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड टू द सेट दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी इज स्पेशली द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज एग्जिस्ट। ऑलवेज क्या है? एग्जिस्ट। अरे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ वी हैव बी थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी इफ सच दैट ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स। ए बी प्लस ए सी क्या है? ए बी प्लस ए सी दैट इज कॉल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स। और फिर क्या थर्ड, ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए बी इज जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आर जीरो, देन देयर बी नो नेसेसरी दैट ए और बी विल बी जीरो या बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। कि इनमें से जो है क्या ने जीरो ना हो, क्या इनमें से एक है जीरो ना हो। Necessary that at least one would be zero. जैसे need not necessary at least one of them is zero.
एट लीस्ट वन ऑफ दैम. अब इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, वी नीड नॉट नेसेसरी है कि एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज नॉट जीरो. एट लीस्ट वन ऑफ दैम क्या होना चाहिए, जीरो ना हो. जैसे ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू जीरो टू जीरो, बी इक्वल टू क्या आ गया ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ए बी क्या आ जाएगा यहां से इक्वल टू कॉस ए बी जीरो की वन में जीरो प्लस जीरो की टू में जीरो जीरो, जीरो की जीरो में जीरो टू की जीरो में जीरो, जीरो की वन में जीरो जीरो की जीरो में जीरो, इस तरह जीरो की जीरो में जीरो जीरो की जीरो में. हैंस ए बी इक्वल टू इफ फॉर दिस प्रॉपर्टी थर्ड देयर आर ए मैट्रिक्स इज नॉट जीरो मैट्रिक्स बी इज नॉट जीरो मैट्रिक्स बट देयर प्रोडक्ट इज ए बी इक्वल टू जीरो. हैंस वी कैन से द इफ ए एंड बी आर टू आर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो नीड नॉट नेसेसरी एट लीस्ट वन ऑफ देम जीरो, इसमें से कम से कम एक जीरो जरूरी नहीं है कि इनकी प्रोडक्ट जब जीरो होगी एट लीस्ट वन जीरो, वैसे भी इनकी प्रोडक्ट जीरो हो सकती है. ठीक है भाई, अब होता है कैंसिल. अब आगे है कैंसिलेशन द कैंसिलेशन कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो क्या है, ए बी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए सी देन it implies that A is equal to C, B is equal to C, B is equal to C. It implies that in general, way, any cancellation law does not hold. It does not exist in general. A B is equal to B C such that B is not if A B is equal to A C. Then if A से A या B is not equal to C, in general, general में B और C दोनों क्या नहीं होते, equal नहीं होते, then ये distributive law नहीं, cancellation law does not exist. और फिर एक और property क्या है, क्षति की property क्या है, if A and B are टू मैट्रिक्स है, ये ट्रेस ऑफ टू मैट्रिक्स के हैं सेम ऑर्डर के. देखो ए एंड बी आर मैट्रिक्स भी हैं, कैसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ टू एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ट्रेस ऑफ ए बी, क्या ट्रेस ऑफ ए बी, क्या ट्रेस ऑफ
ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बी सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो। द डायगोनल एलिमेंट द मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए बी एंड बी आर नॉट इक्वल डॉट बी नॉट आर ऑलवेज सेम ऑर्डर आर नॉट बी आर ए एंड बी आर ऑलवेज नॉट द इन द सेम। तो स्पेस ऑफ ए बी इक्वल टू स्पेस ऑफ ए बी जेड मेन डायगोनल एलिमेंट आर नॉट सेम। ये एक ही प्रॉपर्टी आ गई। फिर एक और प्रॉपर्टी क्या है भाई, यानी कि ए सेवन भी प्रॉपर्टी है, ए बी की पावर ट्रांसपोज इक्वल टू बी की पावर टी ए की पावर टी। ए की प्रॉपर्टी आ गई, ए बी की पावर टी इक्वल टू बी की पावर टी इक्वल टू ए की पावर टी। ठीक, प्रॉपर्टी एट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेशन ऑफ बी, डिटर्मिनेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेशन ऑफ बी। इन जनरल वी कैन से डिटर्मिनेशन ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू डिटर्मिनेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेशन ऑफ ए अप टू एंड टाइम। ये क्या आ गई है, देखो क्या आ गया, कैंसिलेशन लॉ में ये बता रहे हैं कैंसिलेशन लॉ कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है बी नॉट इक्वल टू सी है इन जनरल में, तो ये कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करता है। ये जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी होता ही है, बी इक्वल टू सी जनरल में होता ही है, बी इक्वल टू सी इन जनरल में ये होता है। ठीक, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक सेम ऑर्डर में ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये जनरल में क्या होता है कि सेम एलिमेंट कोई जरूरी नहीं होता है, नॉट नीड दैट द सेम डायगोनल एलिमेंट नॉट मेन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल्स या ट्रांसपोज ऑफ ए बी की पावर टी, यानी ए ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ के अलग अलग प्रोडक्ट से इक्वल होता है। यानी अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेशन है, उनका डिटर्मिनेशन की वैल्यू प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन और अलग अलग जो डिटर्मिनेशन क्या है उनकी वैल्यू की प्रोडक्ट क्या होती है इक्वल होती है। और अगर डिटर्मिनेशन ऑफ ए की पावर एन है, इसको लिखना है डिटर्मिनेशन ए ए कितनी बार लिख सकते हैं उसे एन टाइम्स लिख सकते हैं, उसे कितने टाइम लिख सकते हैं भाई एन टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्या है आगे, इफ ए इज इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A की पावर T A एंड A A की पावर T विल बी
थीमेटिक मैटिक। अब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ए की पावर टी ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए भाई, बता रखा फोर सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज ले लो किसका, ए की पावर टी ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये क्या आएगा, अभी बताया था हमने ए बी की पावर टी, तो क्या आएगा ये ए की पावर टी, वही बताया था मैंने ए बी की पावर टी का क्या जगह है, बी की पावर टी ए की पावर टी, सिमिलरली यहां से क्या जगह है, ए की पावर टी की पावर टी और ए की पावर टी ये क्या जगह है, ए की पावर टी, ए की पावर टी मतलब ए क्या आएगा, ये ए सेम नंबर आके आगे ये ए की पावर का ट्रांसपोज का वही आ गया, क्या आ गया ए की पावर टी इंटू ए, क्या आ गया ये इसका जो है ट्रांसपोज आ गया, किसका ये ट्रांसपोज आ गया इसका, इसका जो है हैंस ए की पावर टी ए विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमिलरली वी कैन से दैट द ए देन ए एक पावर टी विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ दैट इज कंडीशन इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर टी ए एंड ए ए की पावर टी विल बी टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई आगे बढ़े, एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है वो, इफ ए इज इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, If A and B are the square matrix of two same order, B is the square symmetric. B is the skew symmetric. B is the skew symmetric. If A and B are square matrix of same order, B is the skew symmetric. बी क्या है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक्स है, बी क्या है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक है, अच्छा बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो बी द स्क्यू सिमेट्रिक, तो प्रूव करना है कि ए की पावर टी बी है, ए की पावर टी बी यानी एक ट्रांसपोज ऑफ ए बी ए देन विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए की पावर टी बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां पे क्या आएगा, अच्छा इसको प्रूव करना है कि इसके सिमेट्रिक, अच्छा फोर दे रखा क्या है बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या आएगा बी इज स्क्यू सीमेंट, बी बी सीमेंट है तो बी की पावर टी इज इक्वल टू माइनस बी, ये गिवन है, निकालना क्या है ए की पावर टी फोर, क्या निकालना है ए की पावर टी बी ए की पावर टी का ट्रांसपोज क्या जाएगा, ये क्या जाएगा जो ए की पावर टी क्या जाएगा, ए की पावर टी बी की पावर टी और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज ए की पावर टी बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज की ट्रांस, ठीक
ए की पावर टी, तो जू के टू में आ जाएगा ये, बी की पावर टी तो माइनस बी शुरू में आ जाएगा ये, और टर्मस पावर टर्मस पावर ए, तो क्या होगा माइनस ए की पावर टी बी ए, माइनस ए की पावर टी बी ए, हैंस ए की पावर टी बी ए, यानी ए का ट्रांसपोज बी ए, ए का की पावर टी है, ए का ट्रांसपोज बी ए विल बी टू द इस क्यू सेवेटिक, ये आ गया ना माइनस के, जब ये अगर ये माइनस का आ जाए तो इस पे भी माइनस का आ गया, हैंस विल बी टू द इस क्यू सिमेट्रिक, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, अब देखो इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी प्लस बी ए, सच दैट ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो, then prove that a cube minus b is equal to, then prove that a cube minus b cube is equal to a minus b, a plus b, a square minus a b minus b square, then अच्छा a b r two square matrix of same order के है, given है a b plus b a equal to zero, तो और क्या है, then prove that a cube minus b cube is equal to a plus b a square minus a b minus k b square, ये prove है। अच्छा given क्या है, देखो given है मुझे a b प्लस बी ए इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ये तो गिवन है, और क्या गिवन है, ये प्रूव, इसकी ये ले लू मैं आर चेत, क्या क्या आ गई इसकी आर चेत, ए प्लस बी क्या आ गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के बी स्क्वायर, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा, ए की ए ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर प्लस के बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब माइनस के बी का क्यूब, बी आ गया ठीक है भाई। देखो ये है बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर क्या लिखता हूँ, बी ए ए, ये कर सकता हूँ भाई, बी ए को ए बी का स्क्वायर क्या लिखता हूँ, बी ए ए, और बी ए की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, माइनस ए बी, बी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस के, बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस के ए बी, माइनस के ए बी ए, इसे लिख सकता हूं माइनस के ए बी ए, और इस तरह माइनस के बी ए बी है, माइनस के बी ए बी है, माइनस के यहां से इस तरह माइनस के बी ए बी को क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से ए बी क्या लिख सकता हूं, माइनस बी ए को क्या लिख सकता हूं, ए बी क्या जाएगा, ए बी
ए बी का स्क्वायर, तो बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी ए। तो ठीक इसी तरह से जब मैं इसको करूंगा कैंसिलेशन करूंगा ए स्क्वायर तो ये जो है आपस में जो क्या है ये जो है इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, इससे सी ए कट जाएगा, इससे इसी के लिए बी ए स्क्वायर को माइनस ए बी ए माइनस ए बी ए इस तरीके से कर लूंगा ए बी बी इस तरह के लिख के क्या कर लूंगा ये कर लूंगा तो क्या जाएगा ये इससे क्या आएगा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। या भाई इससे तो ये कट जाएगा, ये जो है इससे इन दोनों को करके यहाँ से बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का ये रख के ये दोनों कट जाएंगे ठीक है नहीं, तो क्या अगर ए क्यूब ए क्यूब माइनस के बी क्यूब हैंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू जीरो। क्या क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था ये कि ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है किसकी सेम ऑर्डर की है किस तरह की है ए बी प्लस बी एक्वल टू जीरो, ए बी प्लस बी शो दैट द ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के बी स्क्वायर। तो गिवन है क्या गिवन है कि ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या है जीरो है, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो है तो क्या जाएगा एक और ये तो अब अगर जो गिवन है क्या ये गिवन है, ये गिवन है ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो तो ए बी इक्वल टू माइनस के बी ए बी इक्वल टू माइनस के बी है सच्ची। और इसको मैंने ये जो है इसकी आर्च ऐसी दे दी, इनकी जो है मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की क्या कर ली मल्टीप्लाई कर ली, इससे तो एक कट जाएगा ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर ए से एक कट जाएगा, फिर ये है ए बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर को ये लिख लूंगा ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे इससे माइनस ये क्या आ जाएगा कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब हैंस ए क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब आगे बढ़े भाई, फिर क्या है देखो आगे, फिर इफ ए बी एंड आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू क्या है ए बी इक्वल टू बी ए इफ वो या सेम इफ ए बी आर है सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितनी प्रॉपर्टियां हो रही हैं, इफ ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैसा ऑर्डर है ए बी इक्वल टू बी ए, फिर क्या है इसमें क्या खास बात है क्या करना क्या है इसमें, we have the induction a b we have the induction by the induction by the induction by the induction a की power n b is equal to b की power n a की power n b is equal to b की power n a and we have therefore a b की power n a b की power n is equal to b की power n ए की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है ये, अगर ए बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्या है कि सेम ऑर्डर के हैं ए बी इक्वल टू बी ए है ए बी इक्वल टू बी है बाय द इंडक्शन ऑफ ए की पावर एन बी इक्वल टू बी एन ए ये भी कह सकते हैं या ए बी की पावर एन इक्वल टू b की पावर n a की पावर n फॉर l n बिलोंग्स टू n ठीक है।
अब आ गया है क्वेश्चन है जैसे एक ये इफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इफ ए इज इक्वल टू 3 4 1 माइनस 1 ये मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की कौन सी मैट्रिक्स है इफ ए इज इक्वल टू 3 4 1 माइनस 1 वो फाइंड द ए की पावर 2012 फाइंड स्क्रेफ ए की पावर 2012 इसकी वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है इसकी फाइंड द ट्रेफ 2 की पावर ये देखो भाई अब गिवन है मुझे ए इक्वल टू क्या आ गया ए इक्वल टू गिवन क्या है 3 4 1 माइनस 1 यार एक तो बात सुनवा गई अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी अब इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ इसको देखो क्या कर लेता हूँ मैं ब्रेक किसका कर लेता हूँ जैसे ये है इसे कर लेता हूँ आई में किसको इसे क्या कर लेता हूँ मैं आई में आई में किसको कर लेता हूँ इसे आई तो ये हो जाएगा ये क्या जाएगा इसे करके 2 ये कितने जाएगा 4 ये कितने जाएगा यहाँ 1 ये -1 है यहाँ -1 आना चाहिए था यहाँ क्या आना चाहिए था -1 तो -2 टू और 1 3 4 जीरो पर -2 + 1 1 ये आ इसको क्या कर लिया है ये तो हो गया आई ये क्या आ गया प्लस बी ये क्या आ गया ए इक्वल टू ये आ गया ए इक्वल टू आई प्लस बी आ गया ए इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है वैल्यू निकालनी है ए की पावर 2012 सो ये क्या आ गया ए की पावर 2012 इक्वल टू क्या आ गया आई प्लस बी की पावर आई प्लस बी की पावर 2012 आई प्लस बी की पावर 2012 फिर क्या आ गया ये एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस ये होता है ना एक्स की पावर ए की पावर एन का फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर एंड सो ऑन ये होता है ना ये फॉर्मूले पढ़ता है अलजेब्रा में ये तो ये वाले मैं यहाँ फॉर्मूले लगा दू तो क्या आएगा ये आई की पावर आई की पावर 2012 प्लस एन सी वन 2012 सी वन आई की पावर 2012 11 माइनस इंटू बी प्लस 2012 सी टू आई की पावर 2012 इंटू बी का स्क्वायर प्लस एंड अच्छा बी की वैल्यू क्या है इसमें देखो बी की वैल्यू क्या है इसमें बी की वैल्यू है 2
फोर वन माइनस टू है, वी की वैल्यू क्या है इसमें, ये है। अच्छा इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी भैया, बी मल्टीप्लाई बी, बी क्या आएगा टू फोर वन माइनस टू, आएगा टू फोर वन माइनस टू, इधर क्या आएगा टू टू द फोर, टू टू द फोर, फोर वन द फोर, यहाँ माइनस फोर आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ माइनस फोर, ये यहाँ माइनस फोर आएगा तो यहाँ भी आएगा माइनस के फोर, यहाँ क्या आएगा माइनस के फोर, क्या आएगा यहाँ से माइनस के फोर, यहाँ भी क्या आएगा माइनस के फोर, यहाँ भी क्या आएगा माइनस के फोर, सो टू टू द फोर माइनस फोर जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, फिर इसकी इसमें करके टू टू फोर द माइनस एट प्लस एट जीरो जीरो। सिमिलरली वी स्क्वायर ये जीरो, सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली वी कैन से वी स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर फोर इक्वल टू बी की पावर सिक्स एंड फोन, ये जितने भी सम होंगे क्या होंगे जीरो होंगे, क्या होगी सम की वैल्यू, इसकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो आ जाएगी, क्या बी बी स्क्वायर बी क्यूब, और ये बी क्यूब भी बल्कि जीरो होगी, बी स्क्वायर है, अब बी क्यूब निकालना है तो बी क्यूब क्या आएगा, बी इंटू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगी ये माइनस फोर प्लस फोर, ये भी जीरो आ जाएगा भाई, जब ये जब इसकी वैल्यू जीरो है बी की तो ये भी जीरो आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो बी 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 स्क्वायर बी क्यूब b की पावर 4 एंड फोन इक्वल टू विल बी जीरो, दैट दैट मीन्स द ऑल प्रोडक्ट ऑफ b द सेम नंबर विल बी टू द जीरो b, तो इट इट मीन्स दैट ऑल वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन इट विल बी टू द जीरो, ये सब वैल्यू क्या आ गई है, ये जीरो आ गई, तो बची है क्या ये रिमेनिंग, था क्या ये था आई आई टू की पावर 12,000 प्लस 12,012 सी वन, आई की पावर 12,011 बी प्लस 12,012 सी टू, आई की पावर 12,010 इंटू बी का स्क्वायर एंड फोन, ये सारी जीरो आ गई है, तो सारी खत्म हो गई, रिमेनिंग क्या बच गई, आई की पावर 12,000 आई की पावर 2012 प्लस यू गेट 2012 प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई वन आ गई इंटू बी क्या आ गई, ये आ गई बी आ गई, और आई की वैल्यू कुछ भी कर दो भाई क्या आती है, आई आती है, आई की वैल्यू कुछ भी कर दो आई आएगी, ये 2012 और बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी बताई थी मैंने कितनी है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू भैया लिख देते जीरो, ये जीरो क्या आ गया आई आ गया, क्या आ गया आई,
आई की वैल्यू कितनी है इसमें, 1001, उससे प्लेस ऑफ ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू इसकी थी, हम निकालना ट्रेस ऑफ ए की पावर 2000 इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई, ठीक, ट्रेस ऑफ आई का मतलब ये, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। सम ऑफ ट्रेस ऑफ तो मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ट्रेस ऑफ ए की पावर 2012 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ, इसकी जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2 आएगी। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इफ ए ए कोई हो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, इसमें फाइंड द ट्रेस ऑफ वैल्यू ए की पावर 2012 भी निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है, अब मैं जो है ये है इसको ब्रेक कर दूंगा, मैं आई और बी में इसको ब्रेक कर दिया, आई प्लस बी, आई की वैल्यू क्या है 1 + 1001, बी की कर दिया तो 2 और 1 = 3, 4 - 4 = 0, 1 + 0 = 1 - 2 + 1 - 1 आ गया। तो इसकी आ गया, तो इसकी ए की पावर हम करके ये कर दिया, इसको क्या है एक्स प्लस ए की पावर एन, प्लस ए की और एक्स पावर एन, एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू, ए स्क्वायर, इसको सोल्व कर दिया पूरे को, पूरे को सोल्व करते करते ये जितने बी स्क्वायर बी को बी फाइव को क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये सारी सारी वैल्यू जीरो आ गई, सारी वैल्यू क्या आ गई इसकी, है जीरो आ गई। जीरो को इस पूरे इसमें जो है रख दूंगा, इसमें जो है इसमें जो है सारे में रख दूंगा, तो ये सभी बड़ी बड़ी पावर जीरो आ गई, ये बच गई खाली है, और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू फिर अगेन जीरो आई, रख के आई आ गया, इसकी वैल्यू आई आ गया। तो ट्रेस ऑफ एक प्रॉपर्टी ने सम ऑफ इसके बराबर डायगोनल के, तो 1 और 1 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी कितनी आ गई भैया, 2 आ गई, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, देखो भाई, इफ डिटरमिनेशन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू यू, इफ डिटरमिनेशन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू यू, ए की पावर 4 इज इक्वल टू बी की पावर 4, ए की पावर 4 इज इक्वल टू बी की पावर 4, ये भी गिवन है, और क्या है सी ए क्यूब बराबर सी ए क्यूब सी क्यूब ए बराबर सी क्यूब बी, सी क्यूब ए बराबर सी क्यूब बी एंड बी क्यूब ए बराबर एंड बी क्यूब ए बराबर ए क्यूब बी, ये कोई डिटरमिनेशन है, कोई मैट्रिक्स है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ए की पावर 4 इक्वल टू बी की पावर 4, सी क्यूब ए बराबर सी क्यूब बी एंड बी की पावर 4 ए इक्वल टू ए क्यूब बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
देखो भाई, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी डिटरमिनेशन ऑफ इसकी निकालनी है, तो मैंने पहले क्या करा, इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी इसकी डिटरमिनेशन निकालने से पहले इसकी ए मन बी से मल्टीप्लाई कर, इसी ए क्यूब डिटरमिनेशन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्या आ गया ये ए क्यूब में, क्या आएगा ए पावर फोर माइनस ए क्यूब बी प्लस माइनस प्लस बी क्यूब ए माइनस बी पावर फोर प्लस सी क्यूब ए माइनस सी क्यूब बी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ए की पावर फोर इक्वल टू बी की पावर फोर है, इसकी वैल्यू से ये कैंसिलेशन हो जाएगा, एक बी और फोर माइनस ए क्यूब की वैल्यू बी क्यूब है, इससे ये चला जाएगा, इसकी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू है, इससे वैल्यू से ये बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, जीरो हो गई। जब इसकी वैल्यू है तो इसके जो है डिटरमिनेशन की वैल्यू भी क्या आ गई, क्या आ गई इसकी डिटरमिनेशन की वैल्यू जीरो हो गई, क्या आ गई डिटरमिनेशन हो क्या आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अब टू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गई है जीरो, आ क्या आ गई है ए की वैल्यू क्या आ गई है जीरो आ गई। और गिवन है कि डिटरमिनेशन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, इफ वी हैव सच दैट वन मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर सेकेंड इज बी, देयर प्रोडक्ट इज ऑल इज जीरो, इफ देयर प्रोडक्ट इज जीरो, देयर प्रोडक्ट विल बी जीरो इफ देयर आर एट लीस्ट मे बी जीरो, एट लीस्ट मे बी जीरो। अब गिवन है कि डिटरमिनेशन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेशन इफ डिटरमिनेशन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन दैट डिटरमिनेशन ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी जीरो, हेंस डिटरमिनेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू जीरो। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये देखो भाई, ए कोई डिटरमिनेशन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए की पावर फोर इक्वल टू बी की पावर फोर है, सी ए क्यूब इक्वल टू सी की पावर क्यूब भी है, एंड बी क्यूब ए इक्वल टू ए क्यूब भी है। इस तरह क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी की ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर इन इन तीनों कंडीशनों को अप्लाई करके ए की पावर फोर है ये माइनस बी की पावर फोर है, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, ये क्या आ गया ये आ गया जीरो आ गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसकी इसकी डिटरमिनेशन की भी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। अब इन दो डिटरमिनेशन की वैल्यू क्या है जीरो है, या तो ये जीरो या ये जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ शुड बी जीरो मे बी जीरो, अच्छा ये तो जीरो हो नहीं सकता गिवन है डिटरमिनेशन ए माइनस बी, तो क्या हो गया ये जीरो हो गया, तो डिटरमिनेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी जीरो, ये आंसर है। ठीक है बस आगे बढ़ते हैं,
क्या है भाई, देखो क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, गिवन ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या है, ए बी सी, बी सी ए, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी एंड सी ए बी ए, ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक कैसी है ये, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, वे ए बी सी आर ये नंबर, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, रियल नंबर, ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर है, और कैसे रियल नंबर है, ये रियल पॉजिटिव रियल नंबर भी कहते हैं, ये पॉजिटिव रियल, वेर ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर, इफ ए बी सी इज, इफ ए बी सी इज इक्वल टू वन, इफ ए बी सी इज इक्वल टू वन है एंड ए की ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई है, ये भी गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फाइंड द क्यूब की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिए, क्या है भाई, एक ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए बी सी, ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी की, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर पॉजिटिव नंबर है, किस तरह के हैं, इफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो है, ए की पावर टी इज इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, मुझको निकालनी है, ठीक है भाई, अच्छा अब गिवन क्या है, ए की पावर टी या ए के ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ये गिवन है, क्या है इसका, ये गिवन है, अच्छा ये गिवन है तो इसका क्या गया, इसका मैं अगर डेरिवेशन ले लूं, ए की पावर टी ए इक्वल टू मोड आई, या इसकी इसका क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन आ जाएगा, अच्छा ए की ये क्या जाएगा ए, अच्छा ए की पावर टी का, और इसका तो एक ए का ए ही आता है, डिटरमिनेशन अगर माने डिटरमिनेशन ऑफ ये प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेशन ऑफ ए की पावर टी, दोनों का ए इक्वल आएगा, तो क्या आएगा, ये मोड ए का स्क्वायर, क्या आएगा, ये मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मोड ए का स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या आती है, वन आती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आ गई, और अब इसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू निकाल, बताओ क्या होती है, किसी को याद है भाई, इसकी तो याद होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड एक मैट्रिक्स है, ए बी सी, सी सी ए, सी ए बी, इसकी क्या होती है भाई, बताओ क्या होती है इसकी, देखो अगर वैसे भी करना है इसको क्या करेंगे, इसको ये करके ये करके इसकी मल्टीप्लिकेशन ये माइनस ये स्क्वायर, बहुत मुश्किल पड़ता है, इसको याद रख लेना, अगर ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और इसकी जो है डिटरमिनेशन निकालनी है, तो इसकी डिटरमिनेशन याद रखना, सीधी रट लेना, क्या होती है, ए क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस तीन ए बी, थ्री ए बी, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, डिटरमिनेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड की होती है, यानी कि यहाँ के ए बी सी, बी सी ए, सी ए, सी ए, सीधी बात है, ए बी सी, बी सी ए, यहाँ सी ए, इस तरह की है, चेंज इस तरह कर लो, ठीक है, इसकी क्या होती है स्टैंडर्ड की वैल्यू, इस डिटरमिनेशन की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी माइनस थ्री ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी,
और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा इक्वल टू वन, ये कंडीशन आ गई। क्या आ गई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू वन। अच्छा, अब ये जो ए बी सी है कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? अगर ए बी सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है तो इसमें जो है एल्जेब्रा में पढ़ा था ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम। यहां पढ़ा था मैंने अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन ए जी सी इज ग्रेटर देन, ये कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन थ्री ए बी सी। ये क्या इज ग्रेटर देन थ्री ए बी सी, इसका मतलब इधर लिया गया क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी भी है, क्या है ये थ्री ए, ये ऐसे कर लो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू देन थ्री। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी यहां से, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, दोनों से इसका स्क्वायर रूट ले लू, यहां से क्या जाएगा, यहां से क्या जाएगी यो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, ये क्या जाएगा यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर आया क्या जाएगा ये वन प्लस थ्री कितना जाएगा ये फोर आ जाएगा, क्या जाएगा ये फोर आ जाएगा, क्या जाएगा ये फोर आ जाएगा। इधर आ गया वन प्लस थ्री एट क्या जाएगा ये फोर आ जाएगा, क्या जाएगा ये फोर। ए क्यूब इक्वल टू वन प्लस थ्री इक्वल टू, देखो क्या है सवाल, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई ये ए इक्वल टू ये है ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और गिवन है कि ए बी सी गिवन है कि ए बी सी क्या है, इफ ए बी सी इक्वल टू जीरो, इफ ए बी सी इक्वल टू जीरो एंड ए की पावर टी इक्वल टू आपको पहुंचे तो इस पॉइंट पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन है ए की पावर टी है ये, तो इसकी डिटरमिनेशन दोनों में निकाल लूंगा, इसकी डिटरमिनेशन निकाल के आ गया तो इस ए का स्क्वायर, और इसकी इसकी ए की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका फॉर्मूला, ये आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस थ्री ए बी सी, ये आ गया दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, ये आ गया इसका मतलब वन आ गया, इधर आ गए वन प्लस थ्री आ गया फोर आ गया, इससे क्या आ गया ए क्यूब ए अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ए बी सी, क्या आ गया थ्री ए बी सी। आगे सुनो,
ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, वन कर लो सर। क्या कर लो, अगर यहाँ ए बी सी की वैल्यू जीरो करा तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगी इसकी, वन आ जाएगा। अगर ए बी सी की वैल्यू क्या करा, यहाँ वन करा तो क्या करा, वन करा तो थ्री ए क्या जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन कितना जाएगा, वन प्लस थ्री क्या जाएगा, वन प्लस थ्री इक्वल टू कितना, फोर। अगर जीरो करेंगे तो वन आ जाएगा, इसकी वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू थ्री, सारी बात नहीं भाई, ये भी थ्री क्या जाएगा, ये जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, थ्री आ जाएगा इक्वल टू थ्री, तो थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर आ जाएगा। अगर यहाँ जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा ये। अगर यहाँ जो है ए बी सी की वैल्यू वन करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, फोर आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बात सुनियो, आगे बढ़ के क्या है भैया, ये इफ एम इज अ मैट्रिक्स एफ एम, एम इज ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, एम इज ए मैट्रिक्स है, क्या की मैट्रिक्स है, ये थ्री बाई थ्री की है, वेयर डिटरमिनेशन ऑफ एम इज इक्वल टू फाइव। एम जो है थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है और डिटरमिनेशन ऑफ एम इज इक्वल टू फाइव है, एंड एम एम की पावर टी एंड एम ऑफ एम ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू आई। एम एंड एम की पावर ट्रांसपोजिशन क्या है, आई है, वेयर अच्छा, तो इसका हमेशा ये, अगर इसका क्या होता है, डिटरमिनेशन ऑफ एम माइनस आई विल बी जीरो, डिटरमिनेशन एम माइनस वन बी, अगर मान लिया एम ये थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है और इस डिटरमिनेशन की एम की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गई, क्या आ गई इसकी, आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई, आई फॉर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो और एम 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 के ट्रांसपोर्टेशन आई आ रही है जब भी, तो इसके क्या होता है, तो इसका डिटरमिनेशन ऑफ एम माइनस आई विल बी क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाता है, डिटरमिनेशन ऑफ एम माइनस आई क्या आ जाता है, ये क्या आ जाता है, डिटरमिनेशन ऑफ एम एम माइनस आई क्या आ जाता है, हमेशा ये जीरो आ जाता है। ये रट लेना कि कोई एम इज थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है और डिटरमिनेशन ऑफ एम की वैल्यू क्या है, आई आ गई, आई है, क्योंकि इसकी डिटरमिनेशन की वैल्यू थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, और एम का ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू भी की मल्टीपल भी क्या है, आई है, तो उसकी डिटरमिनेशन ऑफ एम माइनस आई भी क्या होगा, हमेशा ऑलवेज जीरो होगा, इसकी डिटरमिनेशन भी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आगे देखो, अब एक और है, एक स्पेशल केस है, एक कोई भी पॉइंट पी पॉइंट है एक्स वाई का, इसमें आयो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या में आयो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो पी एक्स वाई कोई कोई पॉइंट है,
इसका जो इन्फ्लेक्शन है, इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्स इज अबाउट अबाउट एक्स एक्स इज क्यू इज एक्स वन वाई वन. देखो समझने की कोशिश करो, फिर ये समझो. एक कोई और पी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्स इज क्यू एक्स वन वाई वन है. क्यू क्या है? एक्स वन वाई वन है. किस तरह का है? सो इस तरह का है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स और वाई वन इज इक्वल टू माइनस. ये इस तरह का ये रिफ्लेक्शन है. अब इसे इस तरह लिख सकता हूं, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, एक्स वन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई एक्स जीरो बाई वाई. वाई वन को क्या लिख सकता हूं? जीरो मल्टीप्लाई वाई प्लस लिख दो माइनस वन मल्टीप्लाई वाई. ये भी लिख सकता हूं मैं, ये ऐसे यू लिख सकता हूं इसे, ये लिख सकता हूं इसे प्लस माइनस वाई. अगर इसको सिस्टम को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स वन वाई वन, ये क्या आ गया? वन जीरो जीरो माइनस वन. ये क्या आ जाएगा यहां पे? एक्स क्या आ जाएगा? ये एक्स वाई. ये क्या आ जाएगा? ये एक्स वाई आ जाएगा. जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वन जीरो जीरो माइनस वन इज द रिफ्लेक्शन. Hence the matrix, one is the matrix of the reflection of the matrix x axis. Hence, जो ये matrix है, ये matrix क्या है? यानी कि 1 0 0 minus 1 is called the reflection of matrix, the reflection of matrix about x अक्षर. इट इज क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स अबाउट x अक्षर. देखो भाई, अब क्या है कि मान लिया कोई पी पॉइंट क्यू पी पॉइंट एक्स वाई का फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस क्या है? क्यू है, एक्स माइनस एक्स वाई वाई वन है. सच दैट है, इसका है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई. एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई है. तो अब इसी तरह का अगर ये अगर इसका एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसे कर सकता हूँ वन इंटू एक्स प्लस जीरो वाई. वाई वन को क्या आ जाएगा? जीरो वाई प्लस माइनस वाई वन. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. ये किस फॉर्म में आ गए? ये लिख दिया मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में. इस फॉर्म में लिख दिया इसको, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में. इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो जो ये भी मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स है, यही कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सल. अच्छा, अगर इसी का मुझे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सल पूछता तो वाई एक्सल क्या थी? रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सल क्या जाती? माइनस वन वन जीरो. क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? माइनस वन जीरो जीरो माइनस क्या रहती है? ये रहती रिफ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स अबाउट वाई अक्षर. ठीक है, तो ये कोई क्वाड्रेंट है, इसका रिफ्लेक्शन है, तो इसकी जो है ये मैट्रिक्स निकाल लेते हैं. इसकी अबाउट एक्स अक्षर इसकी ये आ जाती है और अबाउट वाई अक्षर ये आ जाती है. ठीक है भाई, और तो किसी भी कोई क्वाड्रेंट दे रखा है उसकी रिफ्लेक्शन एफ एक्स एक्सल और वाई एक्सल की हम जो है मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. जैसे एक्स एक्स की भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सल की रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन. इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन क्या आ जाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन क्या आ जाएगी?
रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन ये आ जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन इसी तरह से माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन ये आ जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सल, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सल और रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन। ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सल आ गई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सल आ गई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन आ गई। ये हम जो है इसको जो है रिफ्लेक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई एनी डाउट भाई? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो है स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स, अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो डिस्कस करेंगे क्या करेंगे, स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑफ ऑल, थैंक।